और ये देखो यहाँ से बैल ये सब भागा चला आ रहा है, कहाँ जाना है इसको पता नहीं। ये सनसेट भी है। चलिए दोस्तों अपनी राइड शुरू करते हैं सापुतारा के लिए। पहले हम जाएंगे पेट्रोल भरने। तो आज की इस राइड में हम बात करेंगे डोमिनार के माइलेज की। यहाँ पे 100 ऑक्टेन लेवल का पेट्रोल पंप ओपन हुआ है नवी मुंबई घनसोली साइड में, तो आज मैं सोच रहा हूँ उससे ही फुल टैंक करा लूँ। गणपति बाप्पा मोरिया। गाड़ी का आवाज़ सुनते आजू बाजू लोग, अभी तो कोई है नहीं बट ये गाड़ी का आवाज़ मुझे बहुत पसंद है। फायरिंग जो है इस गाड़ी की कुछ अलग ही लेवल की है। तो अभी मुलुंड से मेरे तीन दोस्त और आ रहे हैं जो मुझे मिलेंगे भिवंडी बाईपास पे, और वहाँ से हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे फ्रॉम नासिक टू सापुतारा, नासिक वनी सापुतारा। और बीच रास्ते में हमें यहाँ सप्तशृंगी देवी का मंदिर भी लगता है बट हम वहाँ नहीं जाएंगे। जाते शेल का पेट्रोल भरने। क्लाइमेट एकदम नॉर्मल है, ज़्यादा भी ठंडा नहीं बोल सकता मैं। और आज हम लोग पूरा व्लॉग करने वाले इंस्टा 360 या कैम से, मैंने 360 डिग्री माउंट किया हुआ है, देखते हैं इसका फुटेज कैसा आता है। राइड करते वक्त रोड्स अच्छे होने चाहिए, बाकी अगर रोड्स अच्छे होंगे तो राइड करने का मज़ा भी आता है और बाइक अपनी माइलेज भी उतना अच्छा खासा दे देती है। ये सुबह सुबह हम लोग निकलते हैं तो रोड तो ऑलमोस्ट खाली ही रहते हैं। मेरे घर से सापुतारा 230 किलोमीटर है। अभी तक मेरे दोस्तों का कॉल आया नहीं है कि निकले हैं कि नहीं निकले हैं। अगर निकल चुके हैं तो गाली देंगे, अगर नहीं निकले हैं तो फिर एक्सप्लेनेशन देंगे। अपने ग्लव्स बाइक पे भूल आया हूँ, ये लेने जाना पड़ेगा। फुल करूँ डॉक पावरफुल कर। तो गाइस अभी हमने देखा कि मेरा मीटर रिफ्यूल का बता रहा था,
अभी हम देखते हैं रिफ्यूल के बाद कितना लीटर इसमें आ जाता है। तो 9.5 लीटर, 9.30। फाइनली हम लोग का थर्ड राइडर आ गया है। अभी हम लोग निकल रहे हैं नासिक रूट से सीधा सापुतारा। बीच में फ़ोटो निकालने के लिए कहीं रुकेंगे। ये भाई साहब ने नया जैकेट लिया है, नया हेलमेट लिया है, सब खर्चा कर लिया है। अभी इतना खर्चा किया है, अभी देखो भाई को समझ नहीं आ रहा क्लिप कहाँ पे दिख नहीं रहा है ना भाई, नीचे का हो गया। हाँ बस बस, कंफर्टेबल ना? चलो लेट्स सेट गो। अभी बज रहे 9:15 और स्टिल हम लोग भाईकाला से एक बंदे का वेट कर रहे थे, अभी भिवंडी में ही है। ये फाइनली हम लोग ने राइड शुरू कर दिया है। ये अपना दोस्त जिसने लेट कर दिया बहुत। चलो अभी मिलते सीधा इगतपुरी और कसारा घाट में। हम लोग ने अभी ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं। हम लोग अभी 60 किलोमीटर और बाकी है सापुतारा पहुंचने के लिए। रोड की कंडीशन बहुत ही अच्छी है, बट बीच बीच में थोड़ा सा ही ख़राब है। 15-20 मिनट का रोड ही ख़राब है, बाकी आपको रोड एकदम अच्छा मिलेगा फ्रॉम अगर आप नासिक से आ रहे हो तो। यहाँ से राइट 37 किलोमीटर पे सप्तशृंगी देवी का मंदिर है और अभी हम सीधे चलेंगे, वहाँ रहेगा अपना सापुतारा पॉइंट।
फाइनली हम लोग आ गए सापुतारा सनसेट पॉइंट पे, और ये यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हो, बादल ही बादल दिख रहे हैं। ये अपने पब्लिक बाइक राइड करके थक गए यहाँ पे, और ये बंदा देखो फोटो अपलोड कर रहा है इंस्टाग्राम पे, नया आईफोन दिख रहा है, आईफोन 13 मिनी हो या 30 कुछ भी हो, आईफोन। और ये देखो यहाँ से बैल कैसा भागा चला आ रहा है, कहाँ जाना है इसको पता नहीं। ये सनसेट व्यू है।